हे गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है, पीछे आपको कुछ दिख रहा होगा, कुर्सियाँ रखी हैं। और जो नहीं जानता, जिसने पहले मेरे ब्लॉग में देखा है ना, उसको तो पता है कहाँ पे हूँ मैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, फिर से आज मैं जावा SDK के शोरूम आया हूँ। पिछले बार मैं आपको बताया था ना कि यहाँ पे लॉन्चिंग हुई है FJ42 की, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन आए वो सब बताऊँगा मैं आपको। बस 2 मिनट वेट कीजिए आप। अब निकालते हैं अपनी बाइक को बाहर शोरूम से और चलते हैं, और आपको मैं मिलता हूँ सीधा बाइक पे, FJ पे मिलता हूँ, है ना। सो फाइनली दोस्तों, बाहर निकल के आ गई है अपनी FJ, और अब जा रहे हैं हम इसकी अच्छी सी राय लेने और थोड़ा सा इसके स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा जब मैं कहीं रुकूंगा। तो चलते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट इंप्रेशन बताता हूँ, ये बाइक इतनी अच्छी है। पिछली बार मैंने चलाई थी थोड़ी सी, लेकिन अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाया। इतनी ज़बरदस्त बाइक है और इसका साउंड अनबिलीवेबल साउंड दिया है, 350 cc में अनबिलीवेबल साउंड है इसका। ये देखिए इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है। अब आपको मैं बताता हूँ इसका स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले अगर इसका स्टैंड लगा हुआ होगा ना, तो ये स्टार्ट नहीं होगी, ये सबसे अच्छी बात है। लोग आजकल क्या है, बिना स्टैंड लगाए और चल देते हैं। जब तक इसका स्टैंड खुला हुआ है ना, ये स्टार्ट ही नहीं होगी। अभी मैंने वही करके देखा था। और सबसे दूसरा और सबसे खास इसकी ब्रेकिंग, देखो इसकी ब्रेकिंग इतनी ज़बरदस्त कर दी है, इतनी ज़बरदस्त करती है। मतलब SDK से तो बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। ऐसी ब्रेक अगर होना बाइक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मज़ा आ जाएंगे। फ़ैन हो गया मैं इस बाइक का फ़ैन। अगर आपको सिटी पर्पस के भी मतलब से चाहिए ना, बेस्ट है ये बाइक, बेस्ट सिटी मर्पस, सिटी पर्पस के मतलब से भी बहुत बेस्ट है ये बाइक। और सीट इतनी कंफर्टेबल है, इतनी कंफर्टेबल है इसकी सीट, आई कैन नॉट टेल यू, इतनी कंफर्टेबल सीट है। और पूरी है ना, मेरे जो बट्स है ना, पूरी सीट पे आ रहे हैं अच्छे तरीके से, इतनी चौड़ी सीट दी है इसकी इस बार। और टॉर्क के मामले में 30 Nm का टॉर्क है इसका, ऑलमोस्ट 30 Lm का, बाकी 29 Hp की इसकी ताकत है, 30 Nm का इसका टॉर्क है। और चलने में इतनी स्मूथ है, नई है इसलिए नहीं कह रहा हूँ। ये देखो ब्रेकिंग, आ हा। बाकी इसमें जो इसका ऑडोमीटर जो दिया है ना, सारे इसमें स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, कौन सी गियर में, फोर्थ गियर में चल रही है, कितना पेट्रोल है। ये देखो, भागे दिखाऊं, ओहो भाई, लॉन्ग टूर के मतलब के भी पर्पस से बहुत गजब है, बहुत गजब बाइक, नहीं हाहाकार है। टोटल किलर है ये, टोटल किलर है ये आरी का, 350 cc सेगमेंट में जबरदस्त। एक बार जरूर इसकी राइड लें, अगर आप आरी रॉयल इनफील्ड ले रहे हैं ना, तो इसकी राइड जरूर लें। ये चल रही है मेरी SD, जो क्लासिक 350 वाला है ना, वो एक बार तो बिल्कुल छोड़ देगा कि हाँ मुझे ये भी लेनी चाहिए। सो गाइस, हेयर इज जावा 42 FJ। जो इसका FJ जो वर्ड है ना, वो इसके मालिक से लिया हुआ है। इसकी जो FJ की फुल फॉर्म है वो है फैंटेसिक जेनेसिक। और ये देखिए बाइक कितनी जबरदस्त लगती है, मतलब आरी का सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर है, सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर। 350 cc में इस जैसी बाइक मैंने आज तक चलाई नहीं है, और पूरी क्रूजर वाली फीलिंग देगी आपको ये, पूरी क्रूजर वाली। ऐसा नहीं है भगने में, ऐसा लग रहा है कि आपको स्पोर्ट्स बाइक भगा रहे हो कोई 350 cc सेगमेंट पे। इतनी ज़बरदस्त बाइक है, आप मैं भी चला के आया हूँ, शौक तो 10 सेकंड में पहुँच जाती है, पता भी नहीं चलता। और बाकी अब इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, तो जो इसका इंजन है ना, सबसे मेन वो है 334 cc का, लिक्विड प्लस एयर कूल्ड दोनों है ये। और इसका पहले जो ये है ना रेडिएटर, ये है लिक्विड वाला, ये पहले बड़ा आता था, इसको छोटा कर दिया है। हेजार्ड लाइट आपको देख ही रही होंगी जो कंपनी से इनबिल्ट आती है, और ये जो हेडलाइट है ना नीचे, सब इसकी सारी लाइट LED होती हैं। जो ये लाइट है ना हेडलाइट, ये परमानेंट जली रहती है इसमें, ये वाली जो आजकल BS6 में सब में आता है। और पीछे से मैं अब मैं इसका आपको बल्कि लुक दिखाऊं, ये देखिए। सो गाइस, जो इसका टायर है ना वो 140/70, ये देखिए कितना चौड़ा है,
बहुत चौड़ा टायर दिया है आपकी बार इसका। बाकी दो इसमें साइलेंसर आते हैं जो कि बहुत ही शानदार आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। चला के लाया हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार और सुना देता हूँ इसकी आवाज़, सुनिए। आवाज़ के मामले में तो कोई भी इसको फेल नहीं कर सकता, बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक जैसी फीलिंग देती है। इसका टॉर्क जो मैंने भी आपको बताया था जब मैं इसको चला रहा था, इसका टॉर्क है लगभग 30 Nm का टॉर्क है और 29 BHP की इसकी पावर है। सीट का कंफर्ट लेवलनेस बताऊं मैं आपको, सीट कितनी कंफर्ट है ये देखिए, आपके बट्स पूरे आ जाएंगे, इतनी चौड़ी सीट दी है, बहुत मस्त सीट है, बिल्कुल रॉयल इनफील्ड हिमालयन है ना उस जैसी सीट है, लेकिन उसमें अलग अलग आती है, इसमें सेम है, पूरी एक सीट है, अलग अलग कुछ नहीं है, पर कंफर्टेबल उससे ज़्यादा है ये। आदमी इस पर पीछे भी बैठेगा ना तो भी कंफर्टेबल रहेगा, काफ़ी चौड़ी सीट है। जितनी भी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन है ना सारी आपको इसमें पता चल जाएगी, कौन से गियर में चल रही है, कितनी स्पीड पे चल रही है, कितना RPM में चल रही है, सब कुछ पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा। बस इसमें SD में जो एडवेंचर है उसमें ब्लूटूथ आता है, इसमें ब्लूटूथ नहीं आता, बाकी सब कुछ सेम है। सो दोस्तों इसमें भैया जो टंकी है ना, ये टंकी भी इतनी अच्छी फिनिशिंग की दी है, और इसका जो टंकी का यहाँ से पेट्रोल डालते हैं ना वो पैसे और मैं तो सब में बीच में आता है, यहाँ पे देखो थोड़ा बगल में करके दिया है, ये पता नहीं इसका क्या रीज़न है, आपको पता हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, लेकिन अच्छा लग रहा है, कोई जो इसकी जो नई डिज़ाइन है ना वो अच्छी लग रही है। बाकी मैं दूर से आपको दिखाऊँ इसको, ये देखिए बाइक एक नंबर है, एक नंबर जिसको बोलते हैं ना वो, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, कोई वो नहीं कर रहा हूँ, चलाने में तो सुपर लगी। और इसका डिस्क है ना, पहले छोटे आते थे अब इसको बड़े कर दिए, ये भी और पीछे का ड्यूअल डिस्क और ड्यूअल ABS के साथ आती है ये बाइक। इसका जो कंपनी का जो जावा की बेजिंग है वो यहाँ पे आएगी, जावा लिखा हुआ, और पूरी टंकी पे भी आएगा लिखा हुआ, बाकी 42 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा और इसके नीचे छोटा सा FJ लिखा हुआ आएगा। इसमें सब कुछ आता है, 1929 में ये स्टार्ट हुई थी, एक जावा की बेजिंग यहाँ पे, बाकी टंकी पे है, जावा यहाँ लिखा हुआ है, 42 यहाँ लिखा हुआ है। ये इसका लिक्विड कूल्ड मतलब कूलेंट डालने का, और ये इसके ब्रेक ऑयल डालने का, SD में नहीं है पर यहाँ पे इसको बाहर दिया हुआ है। जो इसकी LED है ना पहले से बड़ी कर दी है, वॉवर में पहले छोटी आती थी अब इसमें बड़ी कर दी है, डायमंड कट एलॉय व्हील आते हैं इसमें, डायमंड कट। टायर सेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, डायमंड कट एलॉय व्हील है ये देखिए, और पीछे भी देखिए बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर। सो गाइस इसकी जो सीट हाइट है ना वो है 790 mm, इसका जो वेट है वो है 184, और जो इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है ना वो है 12 लीटर की। जितनी भी SD की बाइक आती है ना ऑलमोस्ट सब में 6 गियर बॉक्स आते हैं, तो इसमें भी 6 गियर बॉक्स दिए हैं। 6वें गियर में तो ये हवा से बातें करती है, 6th गियर में तो ये बस आप में हिम्मत होनी चाहिए चलाने की। शॉर्ट हाइट के जो राइडर है ना उनके लिए भी बहुत सही है ये। मेरी हाइट है 6 फुट, मेरे देखिए पैर कितने कैसे आ रहे हैं, पूरे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन जो शॉर्ट हाइट है ना जिनकी 5'6", 5'7", 5'8", जिनकी 5'5" भी है वो एकदम सही अच्छे तरीके से बैठ पाएंगे इस पर। जिसको भी ये परचेज करनी है, भरतपुर में इसका शोरूम है लक्ष्मण मोटर्स के नाम से, तो कोई भी जाए वहाँ से परचेज कर सकता है और बहुत अच्छे रेट्स में भी मिलेगा। अब हो चुकी है शाम, लगभग 6:30 या 6 बज चुके हैं, लेकिन अंधेरा काफ़ी सारा हो गया, तो मैं आपको इसका हेडलाइट का थ्रो दिखाता हूँ कैसा है। मतलब पहले से बड़ी लाइट कर दी ना, अच्छा थ्रो जा रहा है इसका, चौड़ रही है लाइट इतनी, पहले ऐसे होती थी अब इतनी हो गई है, बहुत अच्छा कर दिया है, मतलब कंपनी ने छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है इसमें। सो दोस्तों अब बैठते हैं बाइक पे और एक बार और फिर इसका आनंद लेते हैं चलाने का, तो चलते हैं। सबसे अच्छा पता आजकल कंपनीज में क्या हो रहा है, इसमें तो SD में तो सारी बाइक्स में इसका जो वो है ना हैजार्ड लाइट वो सब में देती है, आवाज़ ने तो इसको कायल कर रखा है मुझे। एक नंबर बाइक है, सीरियसली बोल रहा हूँ एक नंबर बाइक है, मतलब थ्रोटल दो और ये ऐसे रॉकेट हो जाती है, रॉकेट जिसको बोलते हैं ना। प्लस पॉइंट इसका पता है सबसे अच्छा क्या लगता है मुझे, जिसका 6th गियर है ना, 6th गियर में आने के बाद तो सुपर। बाकी ये चल रही है अपनी SD, ये भी किसी से कम नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले ये लॉन्ग रूट के लिए
लॉन्ग रूट के लिए ये भी बेस्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा क्या है, स्पेसिफिकेशन ज़्यादा दे दी है यूएसडी में। इसमें क्या है, मोड्स आते हैं चलाने के लिए, ऑफ रोड, रेन मोड, इसमें वो कंपनी ने नहीं दी, क्योंकि ये चलने में तो सब जगह पहुंच जाएगी, जाना ले जाने के लिए तो लोग स्प्लेंडर भी लेके जाते हैं, लेकिन एक एडवेंचर बाइक का होता है ना स्पेशल कुछ, वो इसमें है। बाकी जो नई यूएसडी आई है ना, उसका भी मैं रिव्यू बहुत जल्दी करने वाला हूँ, कंपेरिजन करेंगे दोनों बाइक का, मेरी का भी और इसका भी। ये सबसे लेटेस्ट बाइक है जो जावा यूएसडी मोटरसाइकिल की तरफ से आती है। आपको अगर शहर पर्पज से भी चाहिए ना, आपको अगर सिटी में चलानी है तो भी अच्छी है ये बाइक, आप आँख मीच के ले सकते हैं इस बाइक को, ये आपको मना नहीं करेगी। बाकी टर्निंग रेडियस भी इसका यूएसडी एडवेंचर से ज़्यादा है। ये देखिए लाइट कितनी शानदार, मुझे दूर से दिख गई थी, ये काओ छोटे छोटे काओ, छोटी छोटी गाय दूर से ही दिख गई थी। पावर में बिल्कुल लैक नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ पावर में बिल्कुल भी लैक नहीं है इस FJ में, रॉकेट है रॉकेट। मैं तो ज़्यादा स्पीड से चलाता नहीं हूँ बाइक, हाँ थोड़ी बहुत रेव कर देता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में जैसे मुझे चलानी हो तो 100 120 तक मैं ले जाता हूँ, लेकिन मैं लगातार इतनी स्पीड से नहीं चला सकता। लोग चलाते हैं ना, जैसे जो चलाने वाला है ना, जिसके हाथ में ये पड़ गई, चलाने वाले अच्छे खासे चलाने वाले के हाथ में, वो तो इसको किल करने वाला है इसके साथ। ब्रेक यार, सुपर ब्रेक, मतलब पीछे का ब्रेक तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा लगाते ही कि हाँ मैं जहाँ जाऊँ वहीं रोक सकता हूँ इसको। बाकी इसमें ब्रेक की थोड़ी सी कमी है यूएसडी में, ऐसी अगर ब्रेक इसमें आ जाए ना, अनबिलीवेबल, इसका भी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगा मुझसे, क्योंकि मैं जब तेज़ चलाता हूँ ना तो मुझे ब्रेक का ध्यान रहता है, क्योंकि मैं चलाता हूँ उसको लगातार यूएसडी को, तो लगता है कि हाँ इसमें ब्रेक थोड़ी पीछे की कम हो जाती है, जल्दी मैं सही कराता हूँ फिर कम हो जाती है, और इसकी ब्रेक आपको फुल कॉन्फिडेंस देंगी, फुल कॉन्फिडेंस। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, जो इसके सस्पेंशन है ना वो भी काफ़ी अच्छे हैं, हालांकि एडवेंचर जैसे नहीं है, क्योंकि इसके तो थोड़े बड़े आते हैं सस्पेंशन, लेकिन रॉयल इनफील्ड आर ई से बहुत अच्छे हैं। मैं आर ई भी ऑन करता हूँ, लेकिन उसके सस्पेंशन इस जैसे तो है ही नहीं है, कैसे भी नहीं है। चाहे नई वाली आ रही तो मैंने इतना चलाई नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसका रिव्यू बनाऊंगा तब पता चलेगा, लेकिन इसके सस्पेंशन आपको कभी भी परेशान नहीं होने देंगे, मतलब ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, अच्छा पैकेज जिसको बोलते हैं ना 350 cc सेगमेंट में, अच्छा पैकेज है। पावर जितनी आपको चाहिए ना वो उतनी मिल जाएगी, और आवाज़ बिल्कुल सुपर बाइक जैसी, कम्फर्ट बिल्कुल अच्छा, और रोड प्रेजेंस शानदार। रोड प्रेजेंस की बात करता हूँ तो लोग ज़रूर मुड़ के देखेंगे इसको, क्योंकि इसकी आवाज़ ही ऐसी है। तो अब चलते हैं सीधा शोरूम, खड़ी करते हैं इसको, अब इसको ऊपर लेके चलते हैं, खड़ी करते हैं अंदर। पावर बहुत है हमें, गाइस बाइक खड़ी कर दी है। फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई आरी लेने जा रहा है तो इसको ज़रूर एक बार टेस्ट ड्राइव ले ले, वो आरी नहीं लेगा। रॉयल इनफील्ड नाम है पता है मुझे, लेकिन जावा जो कमबैक कर रही है ना बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, और जो इसकी ये देखिए डिज़ाइन पीछे सीट की, अब मैं क्या इसके बताऊं यार, इसमें तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो चलिए अब करते हैं यहाँ से बाय बाय, और जिसको भी अगर जावा लेनी है तो लक्ष्मण मोटर्स भरतपुर आके किसी कभी भी आएँ। टाइमिंग क्या होती है अपनी, 9 से 7 टाइमिंग होती है, इस टाइम कभी भी आए, टेस्ट ड्राइव है ना इसकी, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा थैंक्स मैं कहना चाहूँगा लक्ष्मण मोटर्स भरतपुर को, जिन्होंने मुझे ये बाइक चलाने को दी, जो वास्तव में एक लेजेंड बाइक हो सकती है आने वाले दिनों में। तो चलते हैं, सो गाइस चलते हैं, फाइनली आई एम बैक ऑन माई यूएसडी, लव है ये तो मेरा, लव पहली बाइक लव होती है अपना, तो ये मेरा लव है।